इस हफ्ते पिचर्स ला रहे हैं एक से बढ़कर एक बिजनेस आइडियाज। इंट्रोड्यूसिंग केरला बनाना चिप्स। और टैंक में इस हफ्ते ज्वाइन करेंगे टेक गुरु लेंसकार्ट के सीईओ एंड फाउंडर शार्क पीयूष बंसल। इफ आई एम इन्वेस्टिंग आउटसाइड इट शुड सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम, अदरवाइज मेरे को 10-20% रिटर्न से कुछ करना नहीं। छोटा सा बच्चा एक महीने में एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक कंज्यूम करता है। एंड देन वी कॉइंड ऑन नीमवुड। आइडियाज जो बदल देंगे इतिहास। टॉर्चिट के जरिए डिवाइस आविष्कार किया है जो ब्लाइंड पर्सन के सामने ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल आएगा तो वो गाइड करेगा थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ये गेम चेंजर हो सकता है। आइडियाज जो करेंगे शार्क्स को इम्प्रेस। तो आयरन मैन का सूट बन जाएगा क्या इसके बाद? आइडियाज जिनसे चमकेंगे पिक्चर्स के सितारे। मेरे पेशेंस बहुत कम है। 50 लाख रुपीज फॉर 10%। मैं उनका ऑफर मैच करती हूँ और मेरे में भी पेशेंस कम है। पर आपको टेक्नोलॉजी कंपनी बनाना है, इसमें फार्मा का कोई काम है नहीं। नहीं, फार्मा का बहुत बड़ा काम है। कोई खोले कोई जगह टॉय तो सामने आए, अरे रो, फिर हम यूएस चलेंगे, फिर हम वहाँ से यूरोप चलेंगे, फिर हम वहाँ से हर जगह जाएंगे बेचेंगे। या आपके खिलौनों में बोर्ड के स्पीकर लगा देगा, मॉन्टेसरी की आत्मा कांप जाएगी। शार्क्स, क्या आप वो बचपन के दिन वापस लाना चाहते हैं? वो क्लासेस को बंक मारना, वो कैंटीन में रगड़ा समोसे खाना और रंग बिरंगी चुस्कियां खाना, वो स्कूल लाइफ भी क्या लाइफ थी। लेकिन वो आइस पेप्सी या चुस्की कहीं मिलती कहाँ है आजकल? रवि, अगर मिल भी जाएगी तो क्या उसे खा पाएंगे, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल फ्लेवर और सिंथेटिक कलर से बनती है। ओ, इसीलिए हजारों बच्चे हर साल खराब क्वालिटी की चुस्की खाकर बीमार पड़ते हैं। तो क्या हमारी वो बचपन की मजेदार यादें वापस ताजा नहीं हो सकती? हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है, क्यों नहीं। प्रेजेंटिंग टू यू इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली आइस पॉप्स ब्रांड स्किपी आइस पॉप। हेलो एवरीवन, आई एम रवि काबरा द को-फाउंडर। एंड आई एम अनुजा काबरा द को-फाउंडर ऑफ स्किपी आइस पॉप्स। और हम आए हैं हैदराबाद से। स्किपी आइस पॉप्स बनता है 100% नेचुरल कलर, नेचुरल फ्लेवर, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स एंड नेचुरल स्वीटनर से। शार्क्स, इंडिया में फ्रोजन प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने की बड़ी परेशानी है, इसीलिए हमने पूरे सप्लाई चेन से रेफ्रिजरेशन को ही हटा दिया है। स्किपी आइस पॉप्स बनती है लिक्विड फॉर्म में, रूम टेम्परेचर में, और इसे सप्लाई भी करते हैं हम हमारे रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर से। कस्टमर्स इसे खरीद के घर ले जाते हैं, उसे फ्रीज करते हैं और उसे इंजॉय करते हैं। तो शार्क्स, हम आए हैं आपके पास 45 लाख रुपीज रेस करने अगेंस्ट 5% इक्विटी इन आवर कंपनी। शार्क्स, क्या आप हमारे स्किपी आइस पॉप्स ट्राई करना चाहेंगे? Absolutely. Yes? Yes. Wonderful. Please. So we have got 6 flavors. Try the lemon one. Lemon? Very nice packaging. थैंक यू। हर बार ही बाहर जाते हैं, बच्चे यही खाते रहते हैं, वो बच जाती है एंड में तो मेरे को ही खानी पड़ती है। I'll have raspberry. Raspberry. Very, very nice. It's a nice flavor. सच में बचपन याद आ गया है। Yeah, that was the aim. Yeah. Yummy. Lovely. Great, yum. Great. Thank you. It's very nice. Absolutely yum. Thank you. So, welcome to Shark Tank. Thank you. मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है आप जो कर रहे हैं। एक बात बताइए कि आप इसमें कैसे घुसे, आप थोड़ा उस पर एलाबोरेट करिए। सो मैं पिछले 16 साल से फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में हूँ। कई ब्रांड्स को फूड एंड बेवरेज में हम लोग रीपैकिंग करके छोटे साइज में प्राइवेट लेबलिंग। सो 16 ईयर से दिस इज वॉट वी हैव बीन डूइंग।
8-10 साल जब मैं एक्सपोर्ट्स का काम कर रहा था पापा के बिजनेस में, तो मुझे लगा कि भाई देयर इज ट्रेमेंडस ग्रोथ पोटेंशियल है कि मैं कुछ और अपने आप को भी ट्रेन करूँ, कुछ नया एक्सपोजर लूँ। तो मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना शुरू किया। तो मम्मी और पापा बहुत बड़ा दिल रख के दे सेड कि आप जाओ। देखते ही देखते अपना खुद का घर बना लिया ऑस्ट्रेलिया में। दैट इज लाइक अ ड्रीम थिंग। लेकिन जैसे ही एक कॉल आया इंडिया से, हमारी पूरी लाइफ बदल गई। पता चला फोन कॉल पे मम्मी से कि पापा को ओरल कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो इंडिया वापस आने के बाद अब कुछ ना कुछ यहाँ पे भी तो काम शुरू करना ही है। कई बार हम लोग बैठे बैठे फैमिली के फोटोग्राफ्स, पुरानी दिनों के याद करते थे। तब ख्याल मन में ये आया कि ऐसा कुछ चीज करें जिसमें नॉस्टैल्जिया हो, लोगों को अपने बचपन की चीज, अपने परिवार के साथ बिताया हुआ टाइम वापस याद आए। तो मैं अनुजा से वही बता कि आइस पॉप्स का काम क्यों नहीं करते, और इंडिया में तो आइस पॉप्स है ही नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने के 2-3 महीने बाद ही अनफॉर्चुनेटली पापा चल बसे। आज हम यहाँ पर है शार्क टैंक के मंच पर, और उम्मीद करते हैं यहाँ से हमारे फादर के ड्रीम को, उनकी जो ख्वाहिश थी उसे पूरा कर पाए। ये प्रोडक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैं जब अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करता हूँ इंडिया से बाहर, ये वहाँ पे काफी चलता है। आपका टारगेट सेगमेंट बच्चे ही हैं? मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहूंगा कि बच्चे हमारे टारगेट मार्केट है, लेकिन हमारा फर्स्ट कस्टमर इज 25 प्लस इयर्स ऑफ एज। आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो स्कूल में से खा चुके हैं, एंड जब वो इससे कॉन्फिडेंट होते हैं, जब वो जाके अपने बच्चों को फैमिली में से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक बार बच्चों के हाथ में आ गया तो देन देयर इज नो लुकिंग बैक। रिपीट ऑर्डर्स है ही है। Ravi, Anuja, firstly, of course, I love the branding. Skippy, the name, the branding is amazing. Thanks a lot. And pricing, 20 rupees for this is really good. Mera problem, since aap health ka bol chuke hain angle, so isme water ke baad dusra ingredient is sugar. Very bluntly, if I put it, this is sugar water. ये एक fun product है। पहली बार तो हम इसे health product बोल के बेचते ही नहीं है। I agree with you, अगर आप sugar water बोलते हो, लेकिन हम इसमें ये बताएंगे कि ये जो फन और एक्साइटमेंट बच्चों में और बड़ों में लाता है, इट कनेक्ट्स यू बैक टू द ओल्ड मेमोरीज, और जो कलर और फ्लेवर इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो एक्चुअल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ही होता है। तो मैं आपको बताऊं, जब कोई बोले हेल्दी नहीं है ना, आप बोलते करो हेल्दी नहीं है। जितने हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, उससे ज्यादा हेल्थ अनकॉन्शियस लोग हैं, वो खुश होते हैं। आपने सेल्स कितनी की है वो बताइए। नहीं, सेल पे मत जाओ पहले। क्यों? बाकी चीजें तो पता कर। अरे रुको ना, सेल्स कितने की है? आप उनको मना नहीं कर सकते, सेल बता दो। पिछले 6 महीने में हमने करीबन 40 लाख का सेल कर चुके हैं। लास्ट मंथ कितना किया? लास्ट मंथ हमने 7.5 लाख रुपए का सेल किया है। और प्रायर इन्वेस्टर है कोई आपके पास? नहीं, इट इज ऑल बूटस्ट्रैप। हमने खुद की फंडिंग जो ऑस्ट्रेलिया में पैसा लगाया, हमने करीबन 55 लाख रुपए डाले इस मंथ तक। रवि, अनुजा, आई लव द प्रोडक्ट। श्योर। जैमी, I want to understand, what is your long-term vision for your brand and company? मैं पहले इसे 3-4 साल में इसे नेशनल ब्रांड बनाऊंगा और फिर इसे इंटरनेशनल ले जाऊंगा। मुझे पता है कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में इस ब्रांड की क्या वैल्यू है। और अनुजा, you want to say about your IPL thing? Indian cricket team should carry Skippy on their t-shirts. Wow, you want to make it that big? That big. ऐसा क्यों? Patriotism भी है और definitely cricket youngsters भी देखते हैं काफी, which is our target market again. One more question. आप अगर इसको सक्सेसफुल बनाते हैं, बहुत सी ब्रांड्स आ जाएंगी, आपसे आधे प्राइस में बेचेंगी। You will need to have a competitive strategy. जो सॉफ्ट आइस आपको लग रहा है, ये हर टेक्नोलॉजी से होता नहीं है। So we have patented that to protect ourselves in terms of the quality that you are enjoying right now. आपका ये जो 20 रुपए का बेचते हैं, वो बनाने में कितना लगता है? अगर मैं इसमें पैकेजिंग कॉस्ट, यानी प्राइमरी पैकेजिंग, इनर पैकेजिंग, कार्टन भी जोड़ लेता हूँ, तो 5 रुपए में पॉप्सिकल बनता है। Wow. और होलसेलर को कितने में बेचते हैं? 13 रुपीज में मिलता है ये। फिर भी ठीक मार्जिन। Still pretty good. यार मैं आपको एक ऑफर करता हूँ। ठीक है? अरे यार, I can offer बनाए। मैं आपको ऑफर करता हूँ, हाँ कि ना आप मेरे को बता देना। I'll give you exactly what you want, 45 lakhs for 5%. And I won't wait long. I've invested in over 200 companies, built many brands. So that's my offer. मत सोचो, मना कर दो।
वन मोर ऑफर जी 5% के लिए 45 ऑफर किया है, वो हम 5% के लिए 60 लाख ऑफर कर रहे हैं और नमिता और मैं इसमें टुगेदर हैं, साथ में हैं। सो यू गेट टू शार्क्स। ग्रेट। चलो यार, दो ऑफर मिल गए आपको। आप और क्या बोल रहे हो? हम देने वाले थे पर बस ऑफर तो। आप भी बताइए सुनने में। अमन हैज चेंज्ड हिज माइंड तो इसलिए। नहीं मैं तो मेरे को ये बात ही नहीं करने देते हैं लोग, मतलब शरीफ शार्क हूं। रियली? आप ऑस्ट्रेलिया से आए हो जी, 16 साल से काम कर रहे हो जी, पैसे तो आपके पास बहुत होंगे, सच बता दो। 45 लाख से ज्यादा ही होंगे। I'll be honest with you, बात यहाँ पे सिर्फ पैसों की नहीं है, जो आप लोग एक्सपीरियंस कैरी करते हो इंडियन मार्केट में वो शायद हम काफी सालों से मिस कर चुके हैं, तो आपके आने से हमारे पास वैल्यू भी बढ़ेंगे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपके साथ आएगा हमारे साथ। क्या एक्सपीरियंस है? आपने अपना ब्रांड किससे बनाया, हमने उसके काफी स्टडी की है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टफ मार्केट जैसे JBL है और कई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है, फिर भी उसमें आपने अपनी पोजीशन बनाई है, ऐसी है कि आजकल हर यंगस्टर आपका ब्रांड लेके घूमता है, मेरे घर में खुद ही अनुजा ने परसों बोट का खरीदा है। अरे हमें मत भूलिए, हमने भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बनाए। पहले ऑफर तो आने दीजिए, ऑफर तो आने दीजिए। अरे यार मैं भूल जाता हूँ, इतने सारे पेपर है, कहाँ रखा? डिविजन नहीं हो रही मन से। ए फेक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जल्दी मैथ कर और पैसे देने पड़ेंगे। ऑफर क्या है? 45 लाख क्या कह रहे हो? तीनों हिस्ट्री ऑफ शार्क टैंक आज इंडिया में बनी है, बताऊं क्या? 5 शार्क आपको ऑफर दे रहे हैं। वाओ, या या, वेल डन, थैंक यू, थैंक यू, फॉर दैट इटसेल्फ यू नीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू, एब्सोल्युटली। एक काम करते हैं, आपको 60 लाख हम तीन भी दे देते हैं। हां, बट बिकॉज़ वी आर 3 विल टेक 6%। हमें ना लड़ना अच्छा नहीं लगता। आप सभी आ जाइए साथ में। पांचों? क्यों नहीं? ठीक है फिर। Actually, why not? Why not? 50% 45 लाख व्हाट यू से? नहीं नहीं 50%। सर, आप तो डरा रहे हो मुझे। भाई मैं बिना इनसे पूछे एक ऑफर करता हूँ, ये मेरे को शायद यहाँ से निकाल देंगे इसके बाद, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ। What if we, I'm not yet making you an offer, yeah, based on them. What if we made you an offer of 1 crore, all 5, for 15% of your company? 15%. Namita and my original offer stands still. 60 lakh for 5%. और बाकी आपको हमारे साथ नहीं आना? नहीं, अगर अगर सबकी सब, हाँ, सब नहीं, उनका फायदा है in that deal. मैं सिंपल कर देता हूँ। पहली डील थी 9 crore पे, 5%. 45 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरी डील थी नमिता और मेरी 12 करोड़ पे 60 लाख रुपए, 5%। इन तीनों का भी वो सेम ही ऑफर है? हाँ सेम, बट वो 6% पूरे टेबल से। अगर आपको पांचों के पांचों चाहिए तो एक स्पेशल डील है जो कि आपको बता दी गई है, व्हिच इज 1 crore फॉर 15%। क्या हम 5 मिनट, 2 मिनट बात कर सकते हैं इसके ऊपर? बिकॉज आपके ऑफिस काफी अट्रैक्टिव है और इससे पैकेजेस कभी मिले नहीं हमें, तो थोड़ा 2 मिनट बात करते हैं। बट आप ऐसे मत करना कि आप ध्यान ना रखो हमारा। सर, आप बड़ी दुविधा में डाल रहे हो। I would hate to be in your shoes right now. वो तो ऑफर देते टाइम बंदे को सोचना चाहिए था ना। You're getting what you want. Come back, close a deal, and remember who was with you on the first right till the end. Just give us 2 minutes. Thank you. Thank you. यार आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? 6 deal थोड़ी दे सकते हो, 5 लोग 6 deal. यही तो मजा है Shark Tank का। 1 crore अगर आता है और अगर we can get into 10% या 12%, I think that'll be much better. इतने नर्वस तो हम एग्जाम्स पे टाइम पे भी नहीं थे जितने आज है। शार्क्स, हम चाहेंगे कि आप सभी ज्वाइन करें, बिकॉज वी वांट टू बी द फर्स्ट ब्रांड जिसमें पांचों के पांचों शार्क्स हमें ज्वाइन करें। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कैन वी डू समथिंग 10-12% के आसपास। रवि, अनुजा, एक बात समझाऊं मैं आपको। आई थिंक यू आर ऑप्टिमाइजिंग टू मच। इफ यू वांट ऑल 5 sharks, आप इसको प्री सीड समझ लो, सीड समझ लो। हम साथ आएंगे तो इट इज एज गुड एज अ 3 crore राउंड इन माय माइंड। आपको ये सोचना चाहिए,
द मोस्ट स्किन वी हैव इन द गेम, मतलब जितना हम ओनरशिप ज्यादा होगा उतना एक्साइटेड हम होंगे. इफ यू ब्रेक दैट डाउन 15% इट कम्स टू 3% ईच, है ना. तो थिंक ऑफ अस एज पार्टनर्स, डोंट थिंक ऑफ अस एज वीसीज, वी आर ट्राइंग टू थोड़ा कम करने की कोशिश कर. और हम हर एक एक अलग एक्सपर्टीज, एक अलग स्किल लाएंगे आपके लिए. 1 crore for 15%, right? Yes. That's your word. अभी चलो साथ में डांस करते हैं. Yeah. Music. Thank you. Thanks a lot. Great job. Super. We're excited. Thank you. And I think you're going to be the first one where 5 of us have co-invested. Congratulations. All right. Post mein cricket team pe dalenge bhai. Pakka dalenge. Badalte Bharat ki nayi tasveer. KPI Sports. Thank you everyone. Thank you. आप इसको लेके मत जाना, ये हम यार ले छोड़ आपके लिए सर. गुड जॉब गाइस. You know what was one big lesson here? In game theory, one side win, one side loses. Yahan pe we all won by putting less money but getting more ownership. Yep. Compared to the earlier. And Ashneer cooperated. Oh! For a change. Ashneer, my man. नमस्ते शार्क्स, मैं हूं तुहिन पॉल, मैं 37 इयर्स का हूं. और मेरा नाम है अदिति गुप्ता, मैं भी 37 इयर्स की हूं. हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम लोग अहमदाबाद से आए हैं. क्या आप लोगों को मालूम है कि अगर पीरियड्स के दिनों में कोई लड़की बाल धोकर नहा ले तो उसके गर्भाशय में सूजन आ जाता है और वो बांझ भी बन सकती है. और ये तो आपको पता ही होगा कि अगर पीरियड्स में कोई लड़की अचार या किसी पौधे को छू ले तो वो सड़ जाता है. और पीरियड्स का खून तो इतना अपवित्र होता है कि अगर उस खून का एक छोटा सा कतरा भी किसी पुरुष को छू जाए तो उसके जीवन में घोर संकट आ जाता है. इसीलिए मेरे से बोला जाता है कि महीने के उन दिनों में अदिति से दूर रहने के लिए. ये सारी बातें गलत है. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2013 में हम दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी और हमारे पास जितनी भी लाइफ की सेविंग थी उस समय वो पूरी की पूरी हमने एक ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने में लगा दी जिससे कि कोई भी लड़की अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती है. अभी तक हमने 1.5 करोड़ लड़कियों को एजुकेट कर दिया है पीरियड्स के बारे में इस प्रोडक्ट के द्वारा. और इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर 8 अलग अलग देशों में हर साल लाखों लड़कियां पीरियड्स के बारे में एजुकेट होती हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू. ये इनोवेटिव प्रोडक्ट एक कॉमिक बुक है, मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक. मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक इंडिया की पीरियड्स के ऊपर बनी सबसे पहली कॉमिक बुक है. इस कॉमिक बुक में खूबसूरत चित्रों और कहानियों के माध्यम से लड़कियां बहुत ही कंफर्टेबली अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती हैं. हमारा सपना है कि आने वाली औरतों की पीढ़ी पीरियड से जुड़ी हर गलत धारणा से हमेशा के लिए आजाद हो जाए. और इस सपने को साकार करने के लिए हम दे रहे हैं 10% की इक्विटी और हमें जरूरत है 50 लाख के इन्वेस्टमेंट की. Fantastic. So, तुहीन और अदिति, मैंने आपकी बुक पढ़ी हुई है क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ और आप बहुत ही अच्छा काम करें. और हमने भी एमक्यो ने जब एक सर्वे किया 84% वर्किंग वुमेन इन मेट्रोज सोचती है कि दे आर बीइंग जज्ड एंड उनके कॉलीग्स इनसेंसिटिव है पीरियड्स को लेके. तो ये बहुत बहुत बड़ा इशू है. ये बुक्स भी अगर दे सकते हैं आप हमें yes. देखने के लिए yes. बिल्कुल. आपके जो वैसे कैरेक्टर हैं उसमें एक अमन भी है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा. अमन भैया, अमन भैया उसको हीरो, उसको हर कॉमिक का हीरो बना देना, देखना आपको ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी. तो
अदिति तुहिन, बहुत ही रेलिवेंट एंड बहुत लार्ज प्रॉब्लम है. आप बहुत पैशन से इसको बिल्ड कर रहे हो, 8 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं. कैसा है टू वर्क विद ईच अदर? बहुत लोगों के लिए काम नहीं करता, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि हम दोनों ही बहुत डिफरेंट तरीके के लोग हैं और हम दोनों की थॉट प्रोसेसेस बहुत अलग हैं. जैसे कि मैं रिसर्च हैंडल करती हूँ, यूजर के नीड को समझने की कोशिश करती हूँ, तो तुहिन फिनेंसेस देखते हैं, तुहिन बताते हैं मेरे को कि कितना ज्यादा मैं मार्केटिंग पे स्पेंड कर सकती हूँ, कितना अग्रेसिव जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ. प्लस हमारे हम लोग बाउंड्री सेट करके रखते हैं कि ठीक है, ये अदिति ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है. डिबेट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, आइडियाज आएंगे, लेकिन वो हम लोग डिसाइड करके रखते हैं कि एंड डिसीजन किसका होगा. बड़ा अच्छा तालमेल है. बिजनेस के बारे में एक क्वेश्चन है, तो आपका फ्यूचर आप क्या देखते हैं, मतलब कौन सी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं? जो हमारा B2B सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन B2C में क्या होता है, अभी मान लीजिए किसी मदर ने कॉल किया कि मेरी लड़की को कल ही पीरियड्स आए हैं, मेरे को एक बुक चाहिए, मेरे यहाँ पे कहीं पर अवेलेबल है कि नहीं, तो हम बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं अवेलेबल है, लेकिन ये आपके पास 3 दिन में पहुँच जाएगा. तो वो हम एक चेंज करना चाहते हैं कि उनके फिंगर टिप्स में हो. तो हमारे फ्यूचर में जो हम करना चाहते हैं, जिस वजह से हम यहाँ पे हैं, वो यही कि हम ऐप जो है वो हम इंडिया के लोगों के लिए भी और विश्व भर के लोगों के लिए भी बनाना चाहते हैं. आप वो ऐप का डेमो देखना चाहेंगे? हाँ हाँ प्लीज देखिए. प्रिया दीदी, अगर मेरे पास सैनिटरी पैड ना हो और स्कूल में पीरियड्स आ गए तो? ऐसे में तुम 3 चीजें कर सकती हो. पहला, तुम अपने टीचर से पैड मांग सकती हो. दूसरा, तुम अपनी सहेलियों से भी पैड मांग सकती हो. तीसरा, तुम अपने घर पे कॉल करके मम्मी या पापा को बता सकती हो. अरे वाह, ये तो बड़ा सिंपल है. ये तो एक प्रॉब्लम हो गई जिसका आपने सलूशन निकाल लिया. जी, और प्रॉब्लम्स भी आपने आइडेंटिफाई करके रखी है. 9 से 15 साल तक बहुत सारी लड़कियां जानना चाहती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, लड़कों के लिए सेफ इंटरकोर्स के बारे में. बड़े ही ओपन माइंडेड पेरेंट्स से भी हमने बात की और उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है कि हम कैसे बताएं. तो अगर फिंगर टिप पे कोई कंटेंट हुआ जो कि सेंसिटिव है, तो उनके लिए आसान हो जाएगा ये कॉन्वर्सेशन करना. और वो सारे टॉपिक से हम एजुकेशनल कंटेंट ऐसे जैसे आपको बताएं वैसे बनाना चाहते हैं. तुहिन और अदिति, मैं आपके बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन उसके पहले मेरे थोड़े सवाल है नंबर्स के बारे में. आपका लास्ट ईयर का रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या था? पिछले साल हमने 1,15,00,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है और उसमें 31 लाख हमारा प्रॉफिट. और हमारे पास एक स्पॉन्सर फेमिनिन हाइजीन कंपनीज है, वो हमारे साथ स्पॉन्सरशिप का डील है. 1,15,00,000 में बुक सेल कितना है, स्पॉन्सरशिप मनी कितना है? स्पॉन्सरशिप अराउंड 40% है, 60% बुक का सेल है. आपका पहला राउंड है इन्वेस्टिंग का कि इसके पहले कोई इन्वेस्टर्स रह चुके हैं? पहला राउंड है. ओके. डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी मदद कर सकती हूँ. आप सोचिए कितने लाखों पेशेंट्स को थ्रू आवर डॉक्टर्स एंड रेप्स हम ये बुक पहुंचा सकते हैं. पूरा लाइफ साइकिल जो होता है एक वुमन का, यू नो, फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो हम सब कुछ टारगेट कर सकते हैं. तो क्योंकि इसमें मुझे खुद का बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, मैं आपको देना चाहूंगी 50 लाख का ऑफर, लेकिन 25% स्टेक. तुहिन, अदिति, फार्मर से अच्छा इस डील में कोई नहीं हो सकता, एंड आई थिंक कंट्रीब्यूशन मेरा बहुत कम रहेगा. आई एम आउट फॉर दैट रीजन. मुझे नहीं लगता मैं आपकी इसमें कोई मदद कर सकता हूँ. आई एम सॉरी, मुझे आउट होना पड़ेगा. अदिति, तुहिन, मुझे लगता नहीं है कि इसमें फंडिंग से कोई फायदा होगा इन ग्रोइंग इट 5x 10x. तो फॉर दैट रीजन मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगी, बट ऑलवेज योर बिगेस्ट चीयरलीडर. और मैं डिसएग्री करूंगी फंडिंग से, और मेरे प्रेजेंस से आप बहुत ग्रो करेंगे. आपके पास एक ऑफर है, 3 शाह गार्ड है. अश्नीर ने अभी तक अपना फैसला नहीं बताया. 50 लाख फॉर 50 लाख फॉर 25%. गंभीर सोच में पड़े. जल्दी कीजिए.
सोचने दीजिए. आप इतना यूजुअली सोचते नहीं है. अच्छा, अश्नीर का स्टैंडर्ड डायलॉग है, मैं CSR सोशल कॉजेज में बिलीव नहीं करता हूँ. तो ये मैं आपको एक जरा इनके बारे में बता दूं. अदिति, मैं अगर ऑफर दे दे तो आपको काम में आएगा. ये विड्रॉ ना कर ले ऑफर, तो अगर आपको जल्दी करना है तो आप नहीं, 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 हमारे हमारे शो का फॉर्मेट है जो ना बोल चुके हम आउट होते हैं. मेरा ऑफर ये है कि मैं 50 लाख दूंगा और 22%, बट आपको प्रोडक्ट रोड मैप पे जाना पड़ेगा, सैनिटरी पैड बेचना पड़ेगा, आपको सैनिटरी पैड कंपनी बनना पड़ेगा. कंटेंट हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? कंटेंट को कस्टमर एक्विजिशन की तरह सोचना पड़ेगा. अगर आप उस पाथ पे जाने को तैयार हैं तो मैं 50% for 22% दूंगा. और ये तो बहुत ही बुरा आइडिया है. आप सैनिटरी पैड कंपनी नहीं है. सबसे बड़ी बुक की कंपनी कौन सी? पब्लिकेशन रॉयल्टी आप वो निकाल लीजिए, और जो सैनिटरी पैड बेचती हैं उन कंपनीज के रेवेन्यू निकाल लीजिए, आपको आपका जवाब वहीं पे मिल जाएगा. पर उन्हें नहीं बनना है सैनिटरी पैड कंपनी. जबरदस्ती है क्या? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है, आपका बिजनेस है, 100% आप ओन करते हैं. बहुत क्लियर विजन है 8 साल से, जो मैं समझ रही हूँ. 8 साल के बाद 1 साल में बिल्कुल ही चेंज हो सकती है गेम. आप ये सोचिए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है. आप 8 साल से एक काम कर रहे हैं, आपको भी पता है क्या पेस ऑफ ग्रोथ है. अश्नीर, हम लोग को ये लगता है कि सैनिटरी नैपकिन ब्रांड्स बहुत सारे हैं मार्केट में, और correct. उनके साथ हम लोग कभी भी कॉम्पीट नहीं कर सकेंगे, और प्लस हमारी एक्सपर्टीज भी नहीं है इस चीज़ correct. में, तो हम खुद हिचकिचाएंगे किसी से भी इसको लेके फंडिंग लेने में. correct. ठीक है, तो जो चीज़ हम कमिट नहीं कर सकते वो चीज़ हम लोग प्रॉमिस नहीं करना चाहते. नमिता, एक लास्ट रिक्वेस्ट है, आप प्लीज हमारे साथ आए, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं. सिर्फ 50 लाख का इन्वेस्टमेंट और 20% इक्विटी में आप आ सकते हैं हमारे साथ. इतना तो कर दिया यार, कर दे, कर दे, कर फार्मा, आपकी आरती उतारे क्या कर हमारी तरफ. चलो 20%. चलो बुल्लू का नाम रोशन कर दो यार, अमन का भी, अमन का भी साथ साथ. And we will make this big. Yes, I promise you. Yes. अश्नीर, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हम पे बिलीव किया कि आप हम पे इन्वेस्ट कर सके, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ. Thank you, but no thank you. Good luck, all the best. हमारी अगली पिक्चर है एक नैनो टेक्नोलॉजिस्ट. देखो यार, नैनो सिम कार्ड तो सुना है, नैनो मेमोरी भी सुना है, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजिस्ट क्या होता है? नमस्ते. नमस्कार. मैं ना ही कोई स्पाइडरमैन हूँ, ना कोई बैटमैन हूँ, फिर भी हर रोज घर से बाहर कदम रखने से पहले हमारे देश के करोड़ों लड़कियां अपने चेहरे को इस कपड़े से व्रैप करती है, और लड़के अपने चेहरे को हैंडकरचीफ से व्रैप करते हैं. तो मेरे अंदर के नैनो टेक्नोलॉजिस्ट की जिज्ञासा से मैंने रिसर्च किया, पता चला ये कपड़ा सिर्फ आपको 15% ही बचाता है प्रदूषण से. नो वंडर इतने सारे लोगों को स्किन इश्यूज, हेयर इश्यूज होते हैं. तो फिर मैंने अपना ज्ञान का इस्तेमाल किया, अब्रकदब्रा किया, और फिर हेकॉल बनाया. हेकॉल आपको 95% पोल्यूशन, 99% यूवी रेस से बचाता है, और वायरसेस एंड बैक्टीरिया को भी मारता है, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस. वक्त के साथ हमने इसकी फुल पोटेंशियल पहचानी कपड़े की. आप क्या कुछ नहीं बना सकते हो. आप एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए बेबी हग रैपर बना सकते हो, पूरे एक ICU वार्ड का पेशेंट गाउन, नर्स यूनिफॉर्म, डॉक्टर स्क्रब बना सकते हो,
और फिर आर्मी लोगों के यूनिफॉर्म्स, ट्रैवल किट्स बना सकते हो। तो हमने 20 अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाए और बेचे। हमारा विजन अब ये है कि हर आम आदमी तक हेकॉल फैब्रिक पहुंचे, क्योंकि ये इको फ्रेंडली सस्टेनेबल भी है। इससे एक स्वच्छ एवं स्वास्थ्य भारत का निर्माण हो। तो शार्क्स, आप सब जुड़ सकते हो हेल्दी कवर फॉर ऑल हेकॉल को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने में। 1% इक्विटी के बदले में सिर्फ 1 करोड़ रुपए चाहिए होगा। वाओ, विनीता आपने मुझे पहचाना? तो मैं शार्क्स को सबको शेयर करना चाहूंगी कि मैं विनीता की 2 साल जूनियर हूँ। सेम ब्रांच, सेम हॉस्टल। ओह माय गॉड, क्या बात है यार। हाय, ऑसम। ओके, वेलकम टू शार्क टैंक। वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू नैनो टेक्नोलॉजिस्ट। एक्चुअली मेरे बहुत क्लासमेट्स शार्क टैंक पे हैं। वो मेरे आईएम अहमदाबाद के सीनियर है, 1 साल अश्नीर ग्रोवर। And of course, Sadipti, sorry I could not recognize, but I know Sadi. Very, very proud to see you here. Thank you. IIT ने मुझे reject कर दिया था, वरना मैं भी होगा। दीप्ति, yes. जरा हमें बताइए विनीता कैसी थी कॉलेज में? सच सच बता। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, स्पेशली लड़कों में बहुत पॉपुलर थी। अरे वाह। I'm also part of her fan club. 2 साल सीनियर थी, सेम ब्रांच की थी। बैडमिंटन खेलते अपना पैर तोड़ती थी कभी कभी, कुछ इंट्रैक्शंस होते थे। मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो शी सेड फिजिकली फिट बनो, क्योंकि उससे तुम्हारी पर्सनालिटी बनेगी, तुम बहुत बोल्ड बनोगे। तो फिर मैंने IIT मद्रास से अपने हॉस्टल मेन गेट 4 किलोमीटर्स वॉक करने लगी। सो एनी गिवन डे नाउ व्हेन आई टेक अ साइकिल, आई गो बाइक 30 किलोमीटर्स। वाओ, सो प्राउड ऑफ यू। आई हैव क्लाइम्ड लॉट ऑफ माउंटेन्स अराउंड द वर्ल्ड। मेरे डैड देखते रहते हो, बोलते कि क्या कर दिया IIT मद्रास ने तुम्हें। तो डैड ये हो गया, विनीता हो गया था IIT मद्रास में। Very good. आपने आज जो आके प्रेजेंटेशन दी है, I'm sure your dad is very proud and you've emerged as a very confident businesswoman. Thank you. Fantastic. Let's see the samples. This is for you. Thank you. Yeah, you got time ho gaya. Baby number 3. It's still 100% cotton. आप फैब्रिक का बिजनेस कर रही हैं या गारमेंट्स का कर रही हैं या मेडअप्स का कर रही हैं? बिजनेस करना था हमें फैब्रिक का। अच्छा। कपड़े में टेक्नोलॉजी डाल दी, कपड़ा बन गया ऑसम। बट मार्च 2020 आई थिंक कोरोना वायरस अराइव्ड। सीधे दिल्ली से फोन कॉल आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, इस कपड़े का आप कुछ नहीं करोगे, आप खुद स्टिच करोगे मास्क और गवर्नमेंट को और सोसाइटी को सपोर्ट करोगे। तो उस दौरान हम प्रोडक्ट स्टिचिंग में गए। तो आज क्या है आप? आज हम मिक्स्ड मॉडल है, 75% B2B फैब्रिक, 25% वी स्टिल स्टिच प्रोडक्ट्स Amazon में। वी आर डूइंग प्रीटी वेल। दीप्ति, मेरे इन-लॉज का फैब्रिक का बिजनेस है, रोल के हिसाब से बिकता है या मीटर के हिसाब से बिकता है? आपके कपड़े में ऐसी क्या खास बात है कि कल को कोई और अपनी थान लगा के मार्केट में नहीं बेच सकता? वी गॉट लैब टेस्टेड, सो इंडिया का नेशनल एक्रेडिटेड लैब NABL, जर्मनी में ब्यूरो वेरिटस का लैब, US में नेल्सन का लैब। तो दिस वाज द ग्रूइलिंग जर्नी ऑफ लैब टेस्ट। सो ये कॉटन मॉलिक्यूल है, स्किन फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, प्लांट बेस्ड बना है, बट ये कमजोर है, इट कैनॉट फाइट द एनवायरमेंटल हजार्ड्स। सो व्हाट वी डिड इज एक बॉडीगार्ड मॉलिक्यूल ले लिया हमने और फिर बोला चलो इसकी शादी करवाते हैं। इनका shaadi.com में ही है अभी तक इन दोनों का। आप तो, है ना? तो फिर हमने इनको बाइंड करना स्टार्ट किया। वी इंटरवीन एट द यार्न इंप्रेगनेशन स्टेज इटसेल्फ, सो दैट दिस रिलेशनशिप डजंट गेट डिवोर्स्ड एंड इट स्टेज टिल द एंड ऑफ द लाइफ। एंड नोबडी इन द वर्ल्ड वी बिलीव हैज एवर ट्राइड to fix all the 3 problems at once, pollution ka, UV rays ka, germ killing at once. Deepthi, aapko nahi lagta hai ki ab to corona hopefully ek fag end pe jana chahiye, to ab aapki market rahegi kya is cheez ki? Shark, corona ke liye hekol ka janam nahi hua hai. Worldwide hospitals mein 5-15% ke logo ke death HAI, hospital acquired infections, reinfections ki wajah se ho rahi hai. India mein I believe pollution is a bigger problem than coronavirus itself. वर्ल्ड के वर्स्ट 30 सिटीज में से 21 इंडिया में लोकेटेड है।
So that's gonna build up. आपको ये स्ट्राइक कैसे किया कि आपने, अगर आपने पहले कहीं काम किया हुआ है या आपने पढ़ाई के बाद ये कर दिया? I was 2 years in Bangalore, integrated chips में nanotechnology. I was 3.5 years in the Qatar, Dubai, Abu Dhabi, oil and gas extraction offshore, onshore, nanotechnology. फिर मैं मुंबई आई, 2 years, fire suppression system, hydroelectric power plant. Then I was in California for defense nanotechnology. So there are some bits of everything you do. And फिर decide किया कि कपड़े में क्यों नहीं डाल देते. So that's where the inspiration came from. Very proud. बहुत कम engineers हैं जो अपनी degree का ऐसे use करते हैं जैसे आपने किया है. मुझे तो बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मेरे खुद के parents fraud engineer बोलते हैं. So आपका थोड़ा numbers बताएंगे कि last year actual revenue कितना था, कितना margin था? Actual revenue 1.7 crore था. Okay. 7 lakhs के करीब B2C से आया होगा, बाकी सब B2B का combination है. And ये 1.7 crore net revenue है, आपका GST हटा के and commission हटा के? GST नहीं हटाया, but yes. अच्छा, GST include करके. Yeah. तो आप क्यों B2C में जाना चाहती हैं? We had lot of brainstorming session internally कि let's pull out of B2C, but without we knowing, Hecol का brand बन चुका है. एंड दीप्ति के बाद नथला नहीं है, हेकॉल है. पहली बार सुना है मैंने, मैं तो सुना ही नहीं हेकॉल कभी. हैदराबाद में नहीं होना. हाँ, खाली हैदराबाद का ब्रांड है. हाँ, वी आर बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद. आपने क्या बिजनेस स्टार्ट किया, कितने साल हो गए? 2 साल हो गए. तो आपने उस टाइम पे कोई को-फाउंडर वगैरह नहीं ढूंढा? आपने बोला कि सब कुछ मैं करूंगी. किसको ढूंढूं मैं? अपने स्कूल फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को? किसके, इनके पास नहीं है जो ये आपको नहीं लगा ये बिजनेस में पैसे डालेंगे? फ्रॉड इंजीनियर के पास नहीं आना था, असली इंजीनियर के पास जाना था. बट उस वक्त पैसा नहीं चाहिए था. उस वक्त ऐसा इंसान चाहिए कि जो 12-15 घंटे अपने साथ घिसे हर दिन को और वो स्ट्रेस ले पाए. दीप्ति, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, मेरी तरफ से बिल्कुल ही ना है. उसके मैं 3 रीजन देता हूँ. एक, आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है. प्रोडक्ट बनाना और मार्केट में प्रोडक्ट बेचना 2 अलग चीजें होती हैं. दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है 1 करोड़ रुपए का आपने कुछ बेच के आपका ब्रांड बन गया है, तो इससे गलत कुछ नहीं हो सकता. हिंदुस्तान में हर पनवाड़ी 1 करोड़ रुपए का माल बेचता है साल का. हाँ जी. उसका कोई ब्रांड नहीं होता. तीसरी चीज, आपको एक को फाउंडर लगेगा. बिल्कुल. जिसको धंधा आता हो, आपको धंधा नहीं आता, तो इस कारण से मैं आउट हूँ. I love the brutal honesty. मैंने ये नहीं बोला कि co-founder ढूंढने की जर्नी खत्म हो गई है. किसे पता ये शो देखने के बाद ही वो धंधा करने वाला पर्सन ही और शी हमारे लाइफ में आ जाए. चालू है, अभी तक मिला नहीं है. मुझे लग रहा है if you really crack the technology part, there is a big opportunity for licensing. और आपकी एनर्जी जानी चाहिए R&D में, because that is what you're good at. लेकिन आप रेडी नहीं है, आपको काफी चीजें अभी भी करनी है. तो इसलिए I'm sorry, लेकिन मुझे आज आउट होना पड़ेगा. बट आई विश यू ऑल द बेस्ट. Very impressed with you. No problem. दीप्ति जी, आपने जिस तरह से हमारे सबके फीडबैक लिए हैं, hats off to you. आप इसके वजह से बहुत ग्रो करेंगी. कॉम्पिटिशन है इस मार्केट में और मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगी. तो उस वजह से आई एम आउट. आपने 100 crore का वैल्यूएशन का आस किया है, तो मुझे लगता है वो 100 crore तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा एंड फिर एक बेटर टाइम होगा फंड रेज करने के लिए. फॉर दैट रीजन आई एम आउट. बट मैं ये कहना चाहूंगी कि आप रनिंग करते हो, आप साइकिलिंग करते हो, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपने डिफरेंट फील्ड्स में एक्सप्लोर किया. आई थिंक इससे बेटर इंस्पिरेशन आज की यंग गर्ल्स के लिए हो नहीं सकता. सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक. एंड एज ऑलवेज आई विल ऑलवेज बी योर बिगेस्ट चीयरलीडर. थैंक यू. तो अभी 4 शॉट आउट हो चुके हैं. Yes, एक बचे हैं. पिक्चर अभी बाकी है. मेरे अंदर के नैनो टेक्नोलॉजिस्ट की जिज्ञासा से मैंने रिसर्च किया, पता चला ये कपड़ा सिर्फ आपको 15% ही बचाता है प्रदूषण से. और फिर हेकॉल बनाया. हेकॉल आपको 95% पॉल्यूशन, 99% यूवी रेस से बचाता है और वायरसेस एंड बैक्टीरिया को भी मारता है, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस. 4 शॉट आउट हो चुके हैं. Yes, एक बचे हैं. पिक्चर अभी बाकी है. मेरे को आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, तो अगर आपने टेक्नोलॉजी को फेमस कर दिया तो आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो. अगर ये पेटेंट मिल गया आपको, तो ये टेक्नोलॉजी से इट कैन चेंज योर करियर एंड अदर्स करियर ऑल्सो. आज कोरोना या कल कुछ और आएगा, आता रहेगा. ये टेक्नोलॉजी सही है, सब सही है, बट मैं आउट. पता क्यों? आप बहुत कंफ्यूज हो. आपने बोला कि मैं B2B भी करना चाहती हूँ, मैं B2C भी करना चाहती हूँ. फिर आपने बोला मैं Amazon में भी बेचना चाहती हूँ. फिर मेरे को शार्क टैंक में आई हूँ, मेरे को शार्क भी चाहिए. आपको अभी कुछ नहीं चाहिए.
आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पिताजी फैब्रिक बिजनेस में थे, तो उन्होंने एक नीश फैब्रिक पकड़ी, ऑर्गेंडी जिसे बोलते हैं। 20 साल तक उन्होंने सिर्फ वो फैब्रिक बनाई और उनका मोनोपोली बिजनेस था, कोई उनका प्रोसेस एस्टेब्लिश नहीं कर पाया 20 साल तक। तो उस बारे में सोचिए, अगर आपके पास कुछ स्पेशल है तो एक नीश बिजनेस बनाना, उसको मोनोपोलिस्टिक बनाना हो सकता है, लेकिन फोकस चाहिए उसके। फोकस, गॉट इट। सो आई टेक ऑल दैट फीडबैक, वर्क ऑन आजल्स। यस, और अगर हिकॉल सही में 3-4 इयर्स में आईपीओ करता है तो प्लीज लुक फॉरवर्ड फॉर आवर शेयर्स। आई लव योर पॉजिटिविटी। गुड लक, कीप स्माइलिंग। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सर। थैंक यू।